आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter पेज को भी फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय उजला है कुछ खास खबरों का। आगरा के जिला अस्पताल में अब श्वानों द्वारा काटे जाने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर पर मरीजों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रतिदिन मरीजों को लगभग 120 वायलें लगाई जा रही हैं, यानी प्रतिदिन 400 से लेकर 450 तक मरीजों को वैक्सीनेशन लग रही है। जिला अस्पताल के CMS BK अग्रवाल ने बताया कि भीषण गर्मी से आम व्यक्ति के साथ साथ पशु और पक्षी परेशान है। भीषण गर्मी के चलते श्वान और बंदर चिड़चिड़े हो रहे हैं, इसीलिए लोगों को अपना शिकार भी बना रहे हैं। इस समय जिला अस्पताल में श्वान और बंदरों दोनों के ही काटे जाने के मरीज आ रहे हैं। जिला अस्पताल के CMS AK अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों जब उच्च अधिकारियों की ओर से दौरा हुआ था तो उन्होंने भी जांच में यह पाया था कि एंटी रेबीज वैक्सीन की खपत अधिक हो रही है, लेकिन रजिस्टर मेंटेन होने के बाद और मरीजों के नाम लिखे जाने के बाद वह संतुष्ट नजर आए। लेकिन उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि किस क्षेत्र के श्वान द्वारा काटे जाने वाले मरीज अधिक हैं, उसका पता लगाया जाए। इसीलिए अब बंदरों और श्वान द्वारा काटे जाने वाले मरीजों का एक अलग से रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है, जिसमें उस क्षेत्र का जिक्र भी है, जिससे यह पता लग सके कि इस क्षेत्र के सबसे ज्यादा अधिक मरीज आ रहे हैं। सर, एंटी रेबीज के जो कुत्ता काटे के बंदर काटे के मरीजों की संख्या में इजाफा काफी हो गया है, तो हमारे यहाँ 103 नंबर में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अभी बड़े बड़े अधिकारी आए थे तो उन्होंने कहा था कि यदि कुत्ते या बंदर ज्यादा काट रहे हैं तो ये देखिए किस एरिया से ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने स्पेशल टाइप का रजिस्टर भी बना दिया है। तो अभी लोकेशन निकल के आई थी कि आगरा में सबसे ज़्यादा देवरी रोड में काटा था सर, पिछले महीने अप्रैल में। लेकिन मई में ये बता रहे थे डॉक्टर साहब कि सभी जगह के आए हैं, अलग जगह का कोई नहीं है। और ये हमारे यहाँ जब से मैंने ज्वाइन करा सर, नॉन स्टॉप सप्लाई है। हम लोग इसको इतना स्टॉक में रखते हैं कि कमी नहीं पड़ रही है, लगातार हम लखनऊ से मंगाते हैं। और इमरजेंसी में यदि कोई मरीज आता है, जैसे 2 बजे तक हम लोग यहाँ पर लगाते हैं OPD में, इसके बाद कोई मरीज यदि आता है तो उसको इमरजेंसी में मैंने 30 वायल लगवाई हुई है, तुरंत ही उसको इंजेक्शन कुत्ता काटेगा लग जाएगा। तो कुत्ता काटे के इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है, सर्विस 24 आवर्स दे रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से वर्षा चावला की रिपोर्ट।